अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो होता क्या है ये डेप्रिसिएशन? जो ये डेप्रिसिएशन है, ये एक वर्ड है डीप्रीटम, डीप्रीटियम। तो बेटा, इसी डीप्रीटियम से लिया गया है डेप्रिसिएशन। वर्ड था डिप्रीटियम, इससे लिया गया है डेप्रिसिएशन। तो डी का मतलब है डिक्लाइन एंड प्रीटियम का मतलब है प्राइस। तो इस एंगल से हम देखेंगे, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट मींस डिक्लाइन इन द प्राइस। बेटा, यहां पे हमें देखना है डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ व्हाट? क्या जो हम गुड़ सेल करते हैं, जो हम मार्केट में गुड़ सेल करते हैं, अगर उनका प्राइस भी डिक्लाइन हो गया तो क्या हम उसको भी डेप्रिसिएशन बोलेंगे? नहीं बेटा, वो मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन हम सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज द डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और वो भी डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स में भी कुछ एसेट्स है जो डेप्रिसिएबल नहीं है, जो नॉन डेप्रिसिएबल है, तो उनका वैल्यू डिक्रीज नहीं हो जाता है। खाली वो वाले एसेट्स जिनका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो जब हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूज करने से, टाइम गुजरने से जब हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमें पता है कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट लाते हैं, चाहे हम यूज करें या ना करें, तो इसका वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दैट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेयर एंड टेयर हो जाते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स में, या इफ्लक्शन ऑफ टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, उनका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो होता क्या है बेटा, डेप्रिसिएबल एसेट, यूजफुल लाइफ, ये तीन चीजें। होता क्या है बेटा, अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हमने परचेज की, हमने 200,000 की मशीनरी परचेज की, ये हम एस्टिमेट लगाते हैं अपनी जगह पे, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये मशीनरी जो है ये चलने वाली है 10 साल 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद जो इसका स्क्रैप होगा, जो इसका रेजिडुअल वैल्यू होगा, स्क्रैप जो इसका होगा, तो उसको अगर हम सेल करेंगे उसमें आएंगे 50,000। दैट मींस ये मशीनरी जो है 10 साल में हम इसका 1.5 लाख रुपए जो है वो कम करते हैं, 10 साल में इसका 1.5 लाख रुपए कम हो जाता है, यूज करते हैं हम वो 1.5 लाख रुपए। मशीनरी हमने परचेज की है 2 लाख की, अपनी जगह पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये मशीनरी चलेगी 10 ईयर्स, यानी कि इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है,
और 10 ईयर्स के बाद जो इसका स्क्रैप रहेगा अगर हमने उसको सेल किया तो उसको आएंगे 50,000। तो दैट मीन 10 साल में इसका कितना वैल्यू कम हुआ है, इसका 1.5 लाख कम हुआ है, 1.5 लाख कम हुआ है। तो ये 1.5 लाख जो है इसको हम नाम देते हैं बेटा डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट इसको नाम देते हैं। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो इसी डेप्रिसिएबल अमाउंट को हम एलोकेट करेंगे इनटू इट्स यूजफुल लाइफ। ये 1.5 लाख जो है ये खाली एक साल में कम नहीं हुआ है, ये 10 साल में कम हुआ है। ये मशीनरी जो है ये 10 साल चली है, इसने हमें 10 साल फायदा दिया है, इसने हमें 10 साल प्रॉफिट दिया है। तो इसका ये जो कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी एक खाली एक साल में हम खर्चा नहीं दिखाएंगे, ये हमें बराबर 10 साल में खर्चा दिखाना है, इसको हमें बराबर 10 साल में एलोकेट करना है, इसको हमें बराबर 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में चढ़ते हैं, गाड़ी में चढ़े हमने फेयर दिया, तो जब हमने बेटा फेयर दिया, फेयर से हमें फायदा मिला कि हम कई जगह जहां पे जाना था वहां पे पहुंचे, तो जब हम वहां से वापस आएंगे हमें फिर से फेयर देना पड़ेगा, बिकॉज ये फेयर जो हमने पहले फेयर दी थी इसने हमें बेनिफिट दिया कि वो बेनिफिट हमने मतलब वहां तक पहुंचाया जहां हमें जाना था। अब हमें वापस घर जाना है तो अगर हमें यही बेनिफिट अवेल करना है वापस घर जाने के लिए तो हमें फिर से फेयर देना। दैट मीन्स यहां पर जो फेयर का बेनिफिट है ना वो शॉर्ट है, वो मतलब वो बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट था कि आप वहां तक पहुंचे जहां तक आपको जाना था। अगर आपको वापस मतलब यही बेनिफिट अवेल करना है, घर तक अवेल करना है, तो आपको फिर से फेयर देना पड़ेगा। या हम क्या करते हैं, हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज को, सैलरी देते हैं, मंथली सैलरी दिया जाता है, वो आपको पता है मेरे एम्प्लॉय ने एक महीने मेरे पास काम किया तो दैट मींस मेरा बेनिफिट जो इसको बेनिफिट देना था वो इसने दिया एक महीने के लिए, तो मुझे एक महीने की इसको सैलरी देनी पड़ेगी। जो मैंने इसको सैलरी दी उस सैलरी से मुझे एक महीने का बेनिफिट मिला, अगले महीने मैं फिर से इस एम्प्लॉई से काम करवाता हूं तो अगले महीने फिर से इसने मुझे बेनिफिट दिया तो मुझे अगले महीने फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो भी हम बेनिफिट रिसीव करते हैं तो उसके लिए हम यहां से क्या देते हैं, मतलब कुछ खर्चा करते हैं यहां से बेनिफिट हासिल करने के लिए। मगर ये बेनिफिट जो यहां से मिला है, मशीनरी से जो बेटा बेनिफिट मिला है वो 10 साल के लिए मिला है, वो एक साल के लिए नहीं मिला है। तो इसका खर्चा भी जो है वो 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो 10 साल में डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो 1.5 लाख इसमें कम हुआ है, डेप्रिसिएबल अमाउंट जो इसमें कम हुआ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम एलोकेट करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ, उसको हम एलोकेट करेंगे बराबर 10 साल में। तो फिर कितना रहेगा, दैट मींस एक साल में कितना कम हुआ है, एक साल में 15,000 कम हुआ है, 15,000 ऐसे ही 10 सालों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1.5 लाख बराबर 10 सालों में हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को यूजुअली बोला जाता है इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए, प्रॉपर डेफिनेशन जो है डेप्रिसिएशन की, दैट इज एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बेटा सिंपली हम देखते हैं कि हमारे एसेट का कितना वैल्यू कम हुआ है, जितना वैल्यू कम हुआ है उसको डेप्रिसिएबल अमाउंट बोलेंगे, और इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमें क्या करना है, इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमें एलोकेट करना है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। फिर देखते हैं एक साल में कितना कम हुआ, दूसरे साल में कितना कम हुआ, तो उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। दैट मींस हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन जो आएगी वो कितना आएगा, वो 15,000 आएगा। तो करना क्या है एक्चुअल में, ये 15,000 हमें चार्ज करना है अपने इनकम पे, चार्ज करना है अपने प्रॉफिट पे, चार्ज करना है। तो यहां से हमने प्रॉफिट में 15,000 कम किया, यहां से ये 15,000 हमने जमा किए, यहां से दूसरे साल फिर से 15,000 काम किए, दूसरे साल फिर यहां से 15,000 जमा किए, ताकि जब 10 साल के बाद जब ये एसेट हमारा मतलब जब ये नहीं चलेगा, जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जब ये एसेट बिल्कुल डेड हो जाएगा, अब ये नहीं चलेगा, तो हमने कितना जमा किया होगा, हमने बराबर 1.5 लाख जमा किया होगा। ये 1.5 लाख हमने जमा किया होगा ताकि उस वक्त हम पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, हम पे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो,
फाइनेंशियल बर्डन हम पे ना पड़े। जब हम 10 सालों के बाद तो हमें ये एसेट रिप्लेस करना है, नया एसेट लाना है, तो हमें उतना पैसा जमा होना चाहिए ताकि हम मतलब इस एसेट को अच्छे से रिप्लेस कर सके, ताकि हम इस एसेट को मतलब रिप्लेस कर सके, नया एसेट ला सके। हमने यहाँ से 1.5 लाख जमा किया होगा, 50,000 आएंगे, इसको 2 लाख हमने जमा किए होंगे, तो 2 लाख में हम कोई नया एसेट परचेज कर सकते हैं। हाँ, ये एसेट 10 साल के बाद 2 लाख में नहीं आएगा, 2 लाख से ज़्यादा में आएगा, वो मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आता है। मगर फिलहाल जो हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है वो यही बोलता है कि आप एसेट का वैल्यू कम करो, कम करो, कम करो, यहाँ से वो अमाउंट जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ताकि जब आपको ये एसेट रिप्लेस करना पड़े तो वहां पे आपने उतना अमाउंट जमा किया होना चाहिए जितना एसेट का वैल्यू क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, ताकि इस एसेट को आप रिप्लेस कर सको। बेटा ये हो गया जो हमारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, तो उनमें हम उनमें डेप्रिसिएशन हो जाती है। बेटा अगर इंटैंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह अगर उनमें मतलब हो जाएगी, अगर उनका वैल्यू कम हो जाएगा इंटैंजिबल एसेट्स में, तो उसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। ये किन में हो जाती है? इंटैंजिबल एसेट्स में, इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स में अगर वैल्यू कम हो गया तो उसको हम नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन, और अगर वेस्टिंग एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, वेस्टिंग एसेट्स अगर इनका वैल्यू कम हो गया, अगर इनका वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो उसको हम नाम देते हैं बेटा डिप्लीशन, उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। तो ये है ऑल अबाउट कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। सो अगर आप इन तीन में से डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल एसेट या यूजफुल लाइफ, अगर आप इन तीन में से किसी भी एक में चेंज करोगे तो डेप्रिसिएशन बिल्कुल इधर उधर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड हमारा डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकला, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकला कितना बेटा, 15,000 निकला, यानी कि एनुअली इसका वैल्यू कितना कम हो रहा है, 15,000 कम हो रहा है। 10 साल में इसका वैल्यू कम हो रहा है कितना, 1,50,000, तो एनुअली कितना हो रहा है, एनुअली 15,000 हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा किसी में भी चेंज करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे 10 साल नहीं रखा, हमने यहाँ पे 20 साल रखा, इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 20 साल है, तो कितना कम हो रहा है, इसका कम वैल्यू कम हो रहा है 1.5 लाख डिवाइड बाई 20, तो वो 7,500 ही निकलेगा। मैंने एक में चेंज की, मैंने लाइफ बढ़ा दी, मैंने इसकी लाइफ बढ़ा दी, मैंने इसकी लाइफ 20 इयर्स रखी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो गया, कम हो गया। या अगर हम इसमें चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 इयर्स ही रखेंगे, मगर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या रखेंगे, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रखेंगे, दैट मीन्स कम कितना हुआ, कम 1,90,000 हुआ, तो डिवाइड बाई 10, तो 19,000 आएगा, 19,000 आएगा। या इसको 50,000 ही रखेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको 3 लाख रखेंगे, हमने एसेट 3 लाख में परचेज किया था, 3 लाख माइनस, तो 2,50,000, 2,50,000 डिवाइड बाय 10, तो 25,000 आएगा। तो आप किसी में भी चेंज करो, इन तीन में से किसी में भी चेंज करो, हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये है ऑल अबाउट कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब डेप्रिसिएशन के कुछ कॉजेज है, कॉजेज है कुछ डेप्रिसिएशन के। नंबर वन कॉज जो है दैट इज, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, वियर एंड टियर हम बोलते हैं, वियर एंड टियर। बेटा आप लोगों को पता है कि जब हम एसेट यूज करते हैं, जब हम एसेट यूज करते हैं तो उसमें वियर एंड टियर हो जाते हैं, उसके नट्स लूज हो जाते हैं, उसके बोल्ट्स वगैरह लूज हो जाते हैं, उसमें कई कई पे वो जंग लग जाता है, तो उसके पार्ट्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर। जब भी हम कोई एसेट यूज़ करते हैं तो उसमें वियर एंड टियर हो जाते हैं, और उस उन वियर एंड टियर की वजह से उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है,
उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो ये एक रीजन है जो हम वियर एंड टीयर, जो हमारे एसेट्स में वियर एंड टीयर हो जाता है, तो इस वियर एंड टीयर की वजह से हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक रीजन है जो नॉर्मल वियर एंड टीयर हो जाते हैं, नट्स लूज होना, बोल्ट्स लूज होना, टायर, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है उसके टायर घिस जाते हैं, कहीं कहीं पे जंग लग जाता है, कहीं कहीं पार्ट्स में जंग लग जाता है, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक रीजन है कि मतलब डेप्रिसिएशन क्यों हो जाती है। दूसरा जो है दैट इज पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। टाइम गुजरने से हमारे एसेट का वैल्यू बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी लाई, उसके बाद इस गाड़ी को आपने चलाया ही नहीं, आपने चलाया ही नहीं उस गाड़ी को, आपने घर में रखा, उसी कंडीशन में रखा जिस कंडीशन में आपने गाड़ी शोरूम से ली थी, उसी कंडीशन में रखा, कुछ भी चेंज नहीं किया। मगर 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब आप इसी गाड़ी को वापस सेल करना चाहोगे तो उसको बराबर उतना अमाउंट नहीं मिलेगा जितने अमाउंट पे आपने लिया था, बिकॉज इसमें टाइम गुजर गया है। तो टाइम गुजरने से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है, टाइम भी एक रीजन है कि डेप्रिसिएशन क्यों हो जाती है। ऑल्दो आपने गाड़ी नहीं चलाई मगर स्टिल इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हम जब गाड़ी लेते हैं तो हम मतलब यूजुअली हम बोलते हैं इसका मॉडल क्या है, ऑल्दो उसकी कंडीशन अच्छी है मगर स्टिल हम बोलते हैं नहीं मॉडल मैटर करता है। तो मतलब ये जितना टाइम गुजरेगा उतना आपके एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस बेटा, ऑब्सोलेसेंस हो जा का मतलब होता है आउट ऑफ डेट होना, आउटडेटेड होना, आउट ऑफ फैशन होना। कोई चीज जो है वो आउटडेटेड हो जाता है, वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो उसका वैल्यू आउट ऑफ फैशन होने की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने, हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी है, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आप लोगों को पता है एक ज़माने में बहुत चलता था ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी आ गया, फिर कलर टीवी भी ख़त्म हो गया, LCDs, LEDs ये वगैरह आ गए। तो ऑल्दो आपके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, अच्छी कंडीशन में है, उसकी कंडीशन अच्छी है, मगर चूंकि वो अब आउटडेटेड हो गया, उसको मतलब उसका मार्केट अब नहीं रह गया, वो अब आउटडेटेड हो गया, उसका मार्केट किसी और चीज ने लिया है, तो अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिल्कुल नया है स्टिल उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज वो ऑब्सोलीट हो गया है, आउट ऑफ डेट हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो इसकी वजह से भी हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटा एग्जॉस्टन, एक फोर्थ वन एग्जॉस्टन, ये भी एक रीजन है एग्जॉस्टन, मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं हमारे वैल्यू, हमारे एसेट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एग्जॉस्टन की वजह से हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कोल माइन है, तो जब हम उससे कोल निकालते जाएंगे जितना आप उससे कोल निकालोगे उतना उस कोल माइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता है यहां पांचक साइड से स्टोन पीक्स है, पत्थर के पहाड़ है वहां पे, तो पत्थर के पहाड़ जो है उनका वैल्यू है, जब हम उनसे पत्थर निकालते जाएंगे फिर प्लेन बनेगा, बिल्कुल प्लेन बनेगा, उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, वहां पर पत्थर का वैल्यू है। नो डाउट जमीन का अपना वैल्यू है, नो डाउट लैंड का अपना वैल्यू है, मगर पत्थर का वैल्यू जो है वो उस प्लेन जमीन में नहीं हो। या सिंपली आप ले लो यही कोल माइन का, कोल का वैल्यू है वहां पे, तो जब हम कोल निकालते जाएंगे, जब वहां पे कोल रहेगा ही नहीं, दैट मीन्स हमारा एसेट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया है।
वो अब खत्म हो गया, जो इसमें था वो खत्म हो गया है। तो अब अगर आप वो एसेट लेना चाहोगे उसका वैल्यू उतना नहीं होगा जितना पहले था। तो ये एग्जॉस्टन जो है ये भी एक रीज़न है कि हमारे एसेट का मतलब ये भी एक रीज़न है, एग्जॉस्टन की वजह से भी हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिटीरियोरेशन, बेटा डिटीरियोरेट हो जाते हैं, मतलब कोरोजन वगैरह लगता है एसेट्स पे, कोरोजन वगैरह यूजुअली जो एसेट्स मतलब शॉर्ट स्पेन के होते हैं तो उनमें क्या लगता है, जंग वगैरह लगता है। तो उस डिटीरियोरेशन की वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो उस डिटीरियोरेशन की वजह से उनका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये है डिफरेंट रीजंस, चाहे नॉर्मल वियर एंड टियर हो, चाहे पैसेज ऑफ टाइम हो, ऑब्सोलेसेंस हो, एग्जॉस्टन हो या डिटीरियोरेशन हो, ये डिफरेंट रीजंस है जिनकी वजह से हमारे एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इसके जो बेटा इसके डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं जो आपकी बुक में, वो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नंबर वन डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं या तो चार्ज हो जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, या नंबर सेकंड हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। या तो हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट में से माइनस करते हैं, या हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फिलहाल आप रहने दो, अभी ये हम लास्ट पे करेंगे। फिलहाल हम लेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, जब हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेटा यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं आपकी बुक में, जो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है हम लिखेंगे यहां पे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, नंबर वन स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है हर साल ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेंगे, हमने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी हमने 1,00,000 की मशीनरी परचेज की है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है बेटा 10%। तो ये 10% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, बेटा ये 10% हम हर साल कैलकुलेट करेंगे 1,00,000 पे। पहले साल फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर तो 1,00,000 इंटू 10/100 वो बनेगा 10,000। दूसरे साल 1,00,000 इंटू 10/100 वो बनेगा 10,000। तीसरे साल 1,00,000 इंटू 10/100 वो बनेगा 10,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये वो वाला मेथड है जिसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक हो गया, फॉर एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन यहां पे कैलकुलेट की थी वो 10,000 आ गया था, तो दूसरे साल इसका वैल्यू कितना रहेगा, बिकॉज मैंने बोला डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाता है वैल्यू, तो दूसरे साल इसका वैल्यू कितना रह गया, 90,000। तो हम 90,000 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में आप हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000। तो इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो एनुअल डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल सेम रहता है, इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है।
यह है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बगैर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यह है बेटा इसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यह है इसका फॉर्मूला। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा तो फिर ये वाली फार्मूला अप्लाई नहीं करनी है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो स्ट्रेट लाइन में आप ये वाली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो इससे आपको क्या निकलेगा, इससे आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा। और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना होता है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। बेटा ये है फॉर्मूला अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो ये है ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। इंशाल्लाह इस पे हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद ही हम मतलब आगे जाएंगे जो दूसरा मेथड है इसका, तो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे।